हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, स्नॉब ने हाल चाल। तो भैया आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो न्यू ट्रैफिक फाइन्स लागू हुए हैं 1 सितंबर 2019 से, उनके बारे में, मेरी क्या राय है, मेरे क्या ओपिनियंस हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। प्लस थोड़ी ये बात करेंगे कि ये जो रूल आए हैं नए ट्रैफिक फाइन्स के, ये अच्छे हैं या नहीं हैं, या फिर ये आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे। प्लस इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट घर पर भूल जाते हो बाइक के, कार के, और आपको पुलिस रोक ले, तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल रहा है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। तो जैसा आप लोगों को बताइए कि 1 सितंबर 2019 से नए ट्रैफिक फाइन्स लागू हो चुके हैं, और न्यूज़ भी आप लोगों ने पोस्ट नहीं लगी, किसी का 10,000 का चलान कट गया, किसी का 25,000 का चलान कट गया, किसी बंदे की स्कूटी थी उसका चलान कट गया, उसकी स्कूटी 15,000 की थी, 25,000 का फाइन लग गया, उसने अपनी स्कूटी में आग लगा दी। एक बंदे ने दिल्ली में अपनी बाइक में आग लगा दी। ट्रक वाले का 1,40,000 का चलान कट गया। तो ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा नए ट्रैफिक जो फाइन्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो सबसे पहले जो नई पेनल्टीज़ हैं, जो ये नए फाइन्स हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो न्यू फाइन्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना व्हीकल चला रहे हो बिना लाइसेंस के, तो आपका जो चलान है वो आपका 5,000 रुपये का कटेगा। दूसरा ये कि अगर आपकी व्हीकल जो है अगर वो डिफेक्टिव है, या फिर इस कंडीशन में कि अगर वो हाईवे पर चलने लायक नहीं है या फिर सेफ नहीं है, तो उस पर आपको 1,00,000 का चलान हो सकता है, और साथ ही साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। अगर व्हीकल ओवर साइज है तो उस पर 5,000 का फाइन है। लाइसेंस घर पे भूल जाते हो तो उसका 5,000 रुपये आपका फ़ाइन है। आपका अगर आपके साथ परमिट नहीं है तो उस पर 10,000 फ़ाइन है। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, अगर आपका LMV है, तो आपके 1,000 से 2,000 का चलान कटेगा। और जो मीडियम पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उन पे आपका 4,000 का चलान कटेगा ओवर स्पीडिंग पे। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपको 6 महीने की सज़ा और 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का आपका चलान हो सकता है। और दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको 10,000 का चलान होगा, प्लस आपको 3 साल की जेल हो सकती है। और अगर आप मेडिकली और फिज़िकली फिट नहीं है ड्राइविंग के लिए, तो आपको 1,000 से 2,000 तक का आपको चलान भरना पड़ सकता है। तो ये कुछ रूल है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो शायद मैंने बता दिया हो आप लोगों को। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो ट्रैफिक फाइन्स के जो मतलब अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तभी जो ट्रैफिक फाइन्स आए हैं, इनमें अच्छी बात तो ये है कि बढ़े हुए ट्रैफिक फाइन्स को देखकर लोग बिना हेलमेट तो बाइक नहीं चलाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखेंगे अपने बाइक के, और जो कार में जाते हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखेंगे, प्लस सीट बेल्ट वगैरह सब लगा के रखेंगे। ट्रैफिक ये जो फ़ाइन है इसके चक्कर में कि कहीं भाई अगर पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ जाएगा फालतू में, तो इस डर में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट वगैरह मतलब सब प्रॉपर लगा के रखेंगे। प्लस खराब भी मतलब जो ख़राब चीज़ मुझे इसमें लगी वो ये थी कि इसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया। मतलब लागू करा अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग नहीं हुई। मतलब बहुत सारे लोग अब भी हैं जिनको ये नहीं पता कि 1 सितंबर से ट्रैफिक फाइन्स की वैल्यू बढ़ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद उनको पता चलता है यार बाप रे तो फाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक कमी तो इसमें कहीं ना कहीं ये है कि इसका प्रॉपर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ कि हाँ भाई 1 तारीख से अपने ऐसे ऐसे रूल जो मतलब ट्रैफिक फाइन्स है वो बढ़ने वाले हैं। दूसरी कमी इसमें ये है कि रूल्स कहीं ना कहीं लोगों के लिए बराबर नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अगर आप जा रहे हो और आपका एक दोस्त जा रहा है, दोनों आप अलग अलग बाइक पे हो, ठीक है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके दोस्त के पास हेलमेट नहीं है, कहीं एक पुलिस का नाका आता है, ठीक है, आपका दोस्त निकल गया जैसे तैसे करके कहीं गाड़ी के पीछे छिप छिप के, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका मान लो 5,000 का चलान कट गया आपका, तो आपको कितना ख़राब लगेगा कि आपका दोस्त तो वहाँ खड़ा आपके हंस रहा है और आपका चलान कट गया 5,000 का, ठीक है, रूल उसने भी तोड़ा आपने भी तोड़ा, लेकिन पेनल्टी खाली आपको भरनी पड़ी। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो नेता वेता ये जो करते हैं बाइक शो मतलब बाइक रैली वगैरह जो करते हैं ये लोग, उस रैली में अगर 100 लोग हैं, 100 बाइक हैं, तो किसी के पास भी हेलमेट नहीं होता है। वहाँ पर रूल कितना खतरनाक तरीके से टूटता है। इवन अभी शायद 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भाई यहाँ पर आए थे हमारे रोहतक में, और उससे पहले जो रैली कर रहे थे नेता वेता, उनके साथ पता नहीं कैसे 100-200 बाइकें जा रही हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं है, शोर शराबा, टूटे फूटे बाइक्स वगैरह, मतलब रूल्स की से धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और उनको कुछ रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो एक कमी यहाँ पर आती है कि रूल बराबर नहीं है। लाइक जैसे अगर मैं अकेला जा रहा हूँ, आगे पुलिस का नाका है, मेरे को अगर वो इनकेस रोक लेते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं है, तो मेरा चलान कट जाएगा। लेकिन अगर वो लोग जा रहे हैं 100-200 भाई बिना हेलमेट के, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका जब चलान कटता है तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है यार कि देखो हमारा तो चलान धड़ाम से काट दिया, ये लोग चौड़े में घूम रहे हैं। तो एक मुझे ये अच्छा लगा, अगर ट्रैफिक फाइन्स बढ़ रहे हैं तो वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए कानून, लेकिन फिर वही यार हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो ये तो था देखो मेरा ओपिनियन नए ट्रैफिक फाइन को लेके कि भाई कैसे इसका अच्छे से, पहली बात तो एडवर्टाइजिंग नहीं हुई, दूसरी बात इसमें भेदभाव चल रहा है कि कुछ लोगों का कार्ड दिया जाता है, जैसे ऑटो वाले जो होते हैं
उनको ऐसे जबरदस्ती पकड़ के उनका ऑटो काट दिया। जबरदस्ती भी क्या, उनको नहीं अभी इतनी नॉलेज है कि भाई ट्रैफिक फाइन्स बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अभी लोगों में बवाल मच रहा है कि हाँ भाई इतना इतना फाइन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग अच्छे से होती तो बहुत लोग पैसे बच जाते। जैसे हम तो भाई 100 cc बाइक वाले हैं, तो हमको तो यार 5,000 भी बहुत ज़्यादा लगता है लाइसेंस, मतलब लाइसेंस कर रहा हूँ जब चलान कट जाता है। तो अभी एक रूल है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कहीं अपनी बाइक या कार में जा रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको आपका 5,000 का चलान कट सकता है इजीली। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको आई थिंक पता होगा आप लोगों को, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर और या फिर एम परिवहन ऐप, इन दोनों में से कोई भी एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और उस ऐप को खोलो, और अपने जो भी आपके लाइसेंस है, आपकी RC है, जो भी है आपका, आप उसको डिजी लॉकर में सेव कर लो, एम परिवहन में सेव कर लो, तो आपके पास आपके लाइसेंस वगैरह की एक ई कॉपी आपके पास आ जाती है। और ये जो रूल है कि अब आप हार्ड कॉपीज़ के अलावा आप अपना ई कॉपीज दिखा सकते हो आपके लाइसेंस वगैरह की, ये पिछले साल लागू हो चुका था। तो मैं भी यही करता हूँ, जैसे अगर मुझे कहीं पुलिस रोकती है तो मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, लाइसेंस वाइसेंस मैं अपना डिजी लॉकर से दिखा देता हूँ, तो वो लोग जाने देते हैं। लेकिन इस चीज़ में भी एक मिसकम्युनिकेशन है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर अपने किसी एक दोस्त को बताऊं कि भाई अगर तेरे को पुलिस रोक लिया तो अपने फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप से अपना लाइसेंस वगैरह दिखा दो, तेरे को जान देंगे, तो दूसरा बंदा किसी और बंदे को गलती से ये कह देता है कि भाई तू अपने फ़ोन में लाइसेंस दिखा दे, पुलिस तेरे को जान देगी। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपने लाइसेंस की फ़ोटो वगैरह खींच के रख लेते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं, वो नहीं दिखा दे, देखो मेरे पास तो लाइसेंस है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उसका चलान काटेंगे क्योंकि वो डिजी लॉकर से वेरीफाइड नहीं है या फिर एम परिवहन ऐप से। मैं आपको फिर से बार क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको एम परिवहन या फिर डिजी लॉकर से, इन दोनों में से आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड नहीं, वो खैर सेव हो जाते हैं क्लाउड में, क्लाउड स्टोरेज में, तो वो वेरीफाइड होते हैं। अगर आप फोटोज़ तो जैसे आपको पता है यार, थोड़ी सी एडिटिंग करके आपका लाइसेंस मैं अपना दिखा सकता हूँ, अपना लाइसेंस आपका दिखा सकता हूँ, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो नॉर्मल फ़ोटो पुलिस आपकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कई लोगों में मैंने देखा है कि पुलिस उनको रोक लेती है तो कहते भाई यार घर पर लाइसेंस पड़े और फोटो भेज दे, व्हाट्सएप कर दे, वो व्हाट्सएप से फ़ोटो मंगाते हैं, पुलिस मानती नहीं है, और फिर उन्हें बवाल हो जाते हैं, भाई तू मान नहीं रहा मेरा लाइसेंस है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर आपको ऐसे पुलिस रोक लेती है, तो आप लोगों को अपना डिजी लॉकर में जो आपका सेव है वो दिखाना चाहिए आराम से, क्योंकि वो वेरीफाइड होता है वहाँ पे, और ये पिछले साल ही लागू हो गया था, आप लोगों को पता होगा। तो ये कई लोगों को बता देना कि भाई अगर ऐसे फ़ोटो खींच के रखें या फिर ऐसे स्कैन करके रखें तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे कि अगर आप उनको डिजी लॉकर से दिखा रहे हो। तो भैया ये थे मेरे ओपिनियन न्यू ट्रैफिक फाइन्स को लेकर। आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो नए ट्रैफिक फाइन लागू हुए हैं ये अच्छे के लिए हुए हैं, ख़राब हुए हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, या फिर मतलब जो भी आपके ख्याल हैं आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो से रिलेटेड मेरे को आपको इतना ही बताना था कि पहली बात तो अपने ओपिनियन शेयर करूँ, दूसरी बात आप लोगों को अवेयर करना कि आप अपने फ़ोन से, डिजी लॉकर से या फिर एम परिवहन ऐप से आप अपने को ऐसी कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़ ना हो और आप कहीं बाहर जा रखे हो। बस वीडियो में इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे या फिर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल कुछ लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको लगे कि वीडियो दूसरे किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं अच्छी लगे हो तो आप डिसलाइक कर देना वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद। तो भैया वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। पहली बात तो यह है कि मैंने कहा था कि दिल्ली में हम लोग मीटअप रखेंगे, लेकिन यार वो कैंसिल कर दिया था मैंने, क्योंकि अभी गणेश विसर्जन था उसकी वजह से, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैंसिल करते हैं, कभी और देखते हैं। तो मैं सोचा कि कभी और को हम लोग रखते हैं 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर को गाइस संडे है, तो हम लोग सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का मीटअप हम लोग रख लेंगे दिल्ली में कहीं पे। वैसे 3 जगह में मैं कंफ्यूज हूँ, या तो CP या फिर दिल्ली में जो अपना इंडिया गेट है वहाँ पर, या फिर मुरथल में। तो ये 3 जगह यार, इन तीनों में बड़ा कन्फ्यूज़ सा रखा हूँ। बाकी जो भी जगह फाइनल होगी मीटअप के लिए वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूँगा। तो 22 सितंबर संडे को 9 से 11 बजे मीटअप होगा, कहाँ पर होगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करके बता दूँगा, और कहोगे तो यूट्यूब स्टोरी में भी आपको अपडेट करके बता दूँगा। तो जो भी दिल्ली से है या फिर दिल्ली के आसपास से है और मिलना चाहता है तो भाई प्लीज़ आना, मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक बात ये है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे मैं कहीं पे घूमने के लिए निकल गया आऊँगा। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वीडियोस नेपाल सिक्किम के बाद कुछ खास नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी मैं कहीं पे घूमने निकल चुका होऊंगा जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो।
तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ खाली 3-4 दिन के लिए घूमने के लिए। तो 3-4 आपको एपिसोड बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे घूमने जा रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पे अगर आप अभी फॉलो कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आपको आगे आने वीडियोस में पता चल ही जाएगा कि मैं किधर घूमने के लिए जा रहा हूँ, गया फिर गया था। तो यही बातें थी मेन, तो और तो कुछ नहीं है मैं जो भूल रहा हूँ।